तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में 2023 में टॉप 5 सबसे बड़ी भर्ती जो है होने वाली है। तो अगर सबसे बड़ी भर्ती की बात किया जाए तो इसमें हॉस्टल वार्डन का भर्ती है, अमीन पटवारी का वैकेंसीज हैं, RI का भर्ती है, ट्रैफिक पुलिस का भर्ती है और शिक्षक भर्ती हैं। तो यह सभी भर्ती परीक्षा, ये सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और जितना ज़्यादा आपका तैयारी रहेगा, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको जो है कामयाबियाँ, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धियाँ, उतने ही ज़्यादा आपको जो है नेम और उतने ही ज़्यादा आपको जो है फेम मिल पाएगा। तो इसलिए वर्क करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है और काम करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटना। और जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतने ही ज़्यादा सफलताएँ मिलेगी। तो काम करने की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप लोगों के पास समय है, अपनी ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हो, जितना अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, जितना अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए जो है हार्ड वर्क करो, उसके लिए फुल एफर्ट के साथ पैशनेट होकर मेहनत करो, तैयारी करो। ज़िंदगी में मौके अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, कुछ ही मौके होते हैं, कुछ ही अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और ये जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है। और इस समय कभी अगर आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया, बस टाइम पास किया जा रहा हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। आपकी ज़िंदगी जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने वाला भी रहेगा, आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव भी नहीं हो पाएगा। तो ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव चाहिए आपको, अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो उसके लिए जो है मेहनत करना होगा, उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए तैयारी करना होगा। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबियाँ, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ मिल पाएंगी। और ये आपके जितने भी आप सोचते हैं ना कि ये मेरा सच्चा मित्र है, ये मेरा सब सच्चा दोस्त है, दोस्त सच्चा मित्र उत्र जो है कुछ नहीं होता, सब चीज़ सभी लोग जो है मतलब ही होते हैं। सभी लोग सिर्फ तुमसे तुम्हारा अपने स्वार्थ के लिए ही अपना मतलब रखते हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाते हैं और तो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कोई मतलब का नहीं होता। और जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगा उसके लिए जो है मेहनत कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। और ये टॉप 5 भर्ती काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में कृषि विभाग में भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। तो बस मेहनत करना, तैयारी करते रहना, और ज़िंदगी में मेहनत करने से, तैयारी करने से कभी भी पीछे मत हटना। और जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशंस होगा, जितना ज़्यादा आपका जो है हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ, उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धियाँ आपको जो है मिल पाएगा। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। सभी चीज़ें पॉसिबल है, हर एक चीज़ जो है मुमकिन है। बस हमें कैसे भी करके हमें मेहनत करना है, कैसे भी करके हमें तैयारी करना है, और मेहनत करने से ज़िंदगी में कभी भी नहीं रुकना है। भले ही हमें कामयाबी ना मिले, भले ही हमें सफलता ना मिले, लेकिन हमें अपना काम करते रहना है, हमें मेहनत करते रहना है, और बिना किसी निस्वार्थ भाव से बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। भले ही आज अगर आपको कामयाबी ना मिले, भले ही आज आपको अगर सफलता ना मिले, शोहरत ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको कामयाबियाँ, आने वाले समय में आपको जो शोहरत अवश्य रूप से मिल पाएगा। और हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़ जो है मुमकिन है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। वरना कितना भी आसान से आसान चीज़ क्यों ना हो, अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे, तो हर एक चीज़ आपको इम्पॉसिबल सा, मुश्किल सा लगने लगते हैं। और पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा, तो पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारी ज़िंदगी जो है बेहतर हो पाएगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, फिर कोई मतलब का नहीं होगा। ज़िंदगी में मौके और ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलता है, वन लाइफ।
तो इसे एक ही बार में, जब आपको मौका मिला है, एक ही बार में आपको समय मिला है, तो इस समय का जो है अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है आप पढ़ाई कीजिए, उतना ज़्यादा जो है मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपको किसी ने भी नहीं रोका है। ट्रैफिक पुलिस की बात किया जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ट्रैफिक पुलिस बनने के लिए सबसे पहले आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस में आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका फ़िज़िकल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिज़िकल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन जो है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फिज़िकल की तैयारी करेंगे उतने ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से नंबर ला पाएंगे, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगा वो आपका फिज़िकल रिटर्न एग्ज़ाम्स दोनों को मिलाकर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट दोनों को मिलाकर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। तो बिल्कुल भी मत सोचो यार कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो किस तरीके से होगा। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। बस ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, बस आगे बढ़ते रहना, तैयारी करते रहना। भले ही आज आप इस वक्त कामयाब नहीं हो, भले ही आज इस वक्त आपको कामयाबी नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आने वाले समय में ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आज भले ही आप सक्सेस नहीं हो, लेकिन आने वाला समय आपका ही होगा, इसलिए हमें मेहनत करना है बिना किसी स्वार्थ के। हमें अपना काम करना है, सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम ये थोड़ी ना सोचेंगे कि हमें सफलताएं नहीं मिल रहा है, कामयाबी नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से हम जो है मेहनत करना छोड़ दें। ये चीज़ें तो नहीं हो सकता ना। हमें मेहनत करने से, हमें तैयारी करने से, हमें काम करने से जो है नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें जो है अपना तैयारी जो है करते रहना है। और जितना ज़्यादा हमारा तैयारी रहेगा, जितना ज़्यादा हमारा मेहनत रहेगा, जितना ज़्यादा हम कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स के लिए एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमें शोहरत, उतने ही ज़्यादा बुलंदियाँ, उतने ही ज़्यादा सक्सेस हमें जो है मिल पाएगा। और आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो आने वाले समय में आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आने वाले समय में आपको अगर कामयाबी हासिल करना है, प्रसिद्धि हासिल करना है, तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से वर्क करना होगा, अच्छे से काम करना होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अच्छे से काम करना होगा, और अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको मौके, ज़िंदगी आपको जो है बार बार मौके जो है नहीं देगी। कुछ ही मौके होते हैं जिससे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, वरना ज़िंदगी में तो मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग कामयाब नहीं हैं। इसलिए आपको बाकी लोगों से कुछ अलग करके दिखाना है, आप में कुछ यूनिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।